आपको परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के पास आने से रोक रही है, आज उसको बोले मेरे जिंदगी में से दूर हो जा। वो कोई दूर बैठा हुआ प्रभु नहीं है, वो करीब आया हुआ परमेश्वर है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर देखें। हालेलुया, धन्यवाद करें। अपने मुंहों को खोलें और धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद परमेश्वर कि आज तूने मुझे ये मौका दिया है। धन्यवाद परमेश्वर कि आज तूने मुझे छुटकारे के समय में रखा है। धन्यवाद परमेश्वर कि आज मेरी जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई है। धन्यवाद परमेश्वर कि मैं बदलाव की तरफ जा रहा हूँ। धन्यवाद परमेश्वर कि मैं जय को देखूंगा। धन्यवाद परमेश्वर कि आज बहुत आशीषों का समय है। धन्यवाद परमेश्वर कि जिंदगी आज बदलने को है। रुबाना सेखे तो रुबो शांत कान सी नमकते रुबोन गा सिकेन्त को बोनो शाहांत का रिबा सतेन गहतो रुबो शतेन गसी रिबान गो को रुबोबो शकांत के नो मोसे रिपा का सोतो मोनो शांते निमाद गस एकोतो मोनो के रनसी नेहत उबोन गहेंते पानसी रिबेन गसोकोन मोशकेंत पा निमेद गस सकेनो बोरोशा निबेद कंतो पोको सी ने मेरे बा ने बेहत एमोद गहेंतो को सी ने मेद कामीतो सोपोनो का रबेन केस नेहत उबोन केशे। Let there be a change। परमेश्वर का आत्मा यूं कहता है कि मैं बदलाव को लाने वाला परमेश्वर हूं, दिन और रात को बनाने वाला परमेश्वर हूं, हर एक सीजन को बनाने वाला परमेश्वर हूं। जैसे किसी को सूरज को घड़ी दिखाने की जरूरत नहीं है, उसी प्रकार से परमेश्वर यूं कहता है कि तेरे समय के बारे में तुझे बताने की जरूरत नहीं है, तेरा समय बदलने को है। एक ऐसा समय आता है जब तू अपने फाटकों में प्रवेश करेगा और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेगा। शायद वो घर है जिसको जो तुझे पसंद नहीं आता, उस घर में घुसना तुझे अच्छा नहीं लगता, मगर परमेश्वर का आत्मा यूं कहता है कि मैं तुझे उसी घर में आनंद के साथ लेकर जाऊंगा। बारा सी न महत उबोनुगा से निबेदा रा सिख अतेन बाबा कांता बा सी ने मेरे दूरो बोशे। परमेश्वर का आत्मा किसी को यूं कहता है कि जैसे ही शैतान ने तेरी तरफ तीरों को फेंका है, मैं उससे तेरे ढाल तुझे ढाल के जैसे बचाने जा रहा हूं। बानासी तू देखेगी कि कैसे वो तीर तोड़ दिए जाते हैं। बानासी कि तेरे खिलाफ जो बातें हुई हैं उसमें से मैं कैसे तुझे निकालता हूं। बारा साखो नो बोशे। परमेश्वर का आत्मा किसी को यूं कहता है कि जैसे ही तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, जैसे ही तेरे खिलाफ प्लानिंग हुई, उसमें से बचाने वाला परमेश्वर मैं हूं। तुझे अपने बचाव के लिए कुछ नहीं करना है, तू मेरे जय को अपने जीवन में देखेगा। दीराबास एकेनो बोसी। हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। और आइए गीत को गाते हुए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। मेरे साथ वर्शिप टीम नहीं है, आप मेरी वर्शिप टीम है, आप मेरी मदद करें। कहिए, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। उस प्यारे पिता को कहे, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। कलीसिया, हम गाए हो जैना तू राजाओं का है राजा। री बाबा सो तो तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा पिता। ओ,
Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Galatians 4. आज जब हम प्रचार कर रहे थे, सिस्टर लीड कर रहे थे, सिस्टर नेहा, तो वो कह रहे थे जो कुछ पिता का है वो मेरा है। अगर प्रभु यीशु मसीह आपके पिता हैं तो जो कुछ प्रभु यीशु मसीह का है वो आपका है। इस बात के लिए आप आमीन बोल सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा हम आगे चलेंगे। गलातियों 4:1 मैं चाहूंगा कि हम पढ़ लेंगे। मैं यह कहता हूं कि वारिस जो बाप का है वो आपका है। वारिस जब तक बालक है, यद्यपि वह सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। मालिक तू ही शब्द बना दिए गए हो। जिस समय आपने यीशु मसीह को अपना पिता कहा, आप मालिक वारिस बन गए। मगर कुछ हरकतें हाडी ऐसी हैं कि 10 साल हो गए यीशु मसीह में आए हुए, मगर अभी भी हम बच्चे। मेरी 2 साल दी कुड़ी है, डायपर पहन के तुरदी फिर दी है। मैंनू बड़ा सोना लगता है यार, बड़ा सोना डायपर आ। जेड़े 40 साल दी कुड़ियां भरावां ने वो डायपर पहन के तुरदे फिरेंगे, तुही की कहोगे? चंगा लगता है? हाँ जी। फिर कहते हो सानू साडा हक चाहिए है। ताडे से आठ की डायपर नहीं संभाली जा रही, हक किदा मिलना? हक किदा मिलूगा तानू? जेदा हक चाहिए है डायपर हटानी पैनी है, कमर च पेटी पानी पैनी है, बेल्ट पानी पैनी है। गल समझ लगी? जिन्हों समझ लगी एक बार आमीन बोलो। मैं बेटा हूं मगर मेरे को वो रुतबा क्यों नहीं मिला? क्योंकि अभी भी मैं बालक वांगू काम करता हाँ। कई बार लोग आते हैं, मैं ना अपने बेटे की शादी करानी है। मैं बेटा आपका घर से बाहर नहीं जाता, उसने कमाई का 10 रुपया नहीं देखा, आप शादी करा के क्या कर रहोगे? वो मैच्योर है। जिहड़ियां कुड़ियां मेरी आवाज़ा सुन दी हैं, आवाज़ सुन रही है, मेरा प्रचार सुन रही है, उन्होंने कोल मेरी हाथ जोड़ के बिनती है, जिहड़ा बंदा खुद का खर्चा नहीं चुक सकता वो ताड़ा खर्चा चुकेगा? भावें वो कितना भी गुड लुकिंग क्यों ना होवे, भावें वो 10 घंटा जिम क्यों ना करता होवे, जे अपना भार नहीं चुक सकता, वो खुद अपने प्यो दे मोडे विच खांदा आ, वो तानू की खिलाऊगा? वो हसबेंड बनने दे लायक नहीं है। उदा करके सिमिलरली जे हम अपना बोझ नहीं उठा सकते, बेशक हम लंबे हो गए, चौड़े हो गए और अलग अलग कामों में आ गए, मगर अगर हम अपने आप को उठा नहीं सकते, संभाल नहीं सकते, क्या हमें विरासत मिलनी चाहिए? हमारे में और एक नौकर में कोई फर्क नहीं। काम करता है, घर में रहता है, खाना भी खाता है, मगर वो हक नहीं है उसका। तो जिन्हां नूं गल समझ लगी कहे मैं बड़ा होना चाहता हूं, ये मालूम है ये क्या है? सारे मेरे को बताइएगा जरा, ये क्या रखा हुआ है? आ की है? क्या है? क्या है? ये कोई आम रोटी नहीं है, ये प्रभु भोज है। बाइबल बताती है यीशु मसीह कलीसिया का दूल्हा है, यानी हस्बैंड है। जो चर्च है वो यीशु मसीह की दुल्हन है। बाइबल बताती है कि जब किसी की शादी हो जाती है तो वो पति अपने माँ बाप को छोड़कर, पत्नी अपने माँ बाप को छोड़कर एक शरीर हो जाते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लीव एंड क्लीव। जेड़ियाँ इत्थे सांसा वा वो सोच रही है मैं अपना पुत्ता कितना दे दवा, वो तैनू देना ही पैना आ, जे तैनू पसंद होवे या ना होवे। जे आप अपने बेटे को नहीं दे सकते शादी में, उसको गोदी में बिठा के रखना।
मगर कुछ सासा जो बेटी की तरफ की हैं वो सोचती हैं घर भेज तो दूंगी, चलाऊंगी मैं ही बताऊंगी कि सवेरे किन्ने बजे उठना है, चाह में किन्नी नून पानी है, चाह में नून कौन पांदा है। तू एक दिन चाह च नू पा दे, अगले दिन तेरी सास को चाय बनानी पैनी है। हाडिया गल्ला हनु सुननी पैनी है, हम सुनते रहते पूरे दिन। घर में कलेश किदा होया, दाल च नून नहीं है। क्यों नून नहीं पाई, मेरी मम्मी ने कहा नून नहीं खाते। क्यों नून नहीं खाते, कि अगले दिन हमारे को बनाना ना पड़ जाए। लीव एंड क्लीव, बोलो लीव, अंग्रेजी सिखा रहा मैं तन, लीव छोड़ो और चिपको, बोलो छोड़ो और चिपको। जब 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 वचन यूं कहता है कि पति जो है अपने माँ बाप से छोड़कर पत्नी से जा मिलेगा और दोनों एक शरीर हो जाएंगे, समझे, जो उसके माँ बाप हैं उसको पैदा करने वाले वो श्रोता है, वो अपने जीवन के श्रोता से या जीवन का जो जिन्होंने जीवन शुरू किया उससे अलग हो जाएगा और फिर एक अनजान व्यक्ति से जा मिलेगा और वो दोनों एक जीवन की शुरुआत करेंगे, एक नए जीवन की शुरुआत होगी। मेरी बात समझ आई? वो अपने माँ बाप जो जिन्होंने उसको बचपन से लेकर अभी तक बड़ा किया है, उसको पाला पोसा है, उसको उसको बड़ा किया है, वो उसके उसकी जीवन की शुरुआत है, वो वहाँ से अलग हो जाएगा और जाके अपनी पत्नी से जा मिलेगा। और जब वो अपनी पत्नी से जा मिलेगा और जब पति और पत्नी मिलते हैं तो क्या होता है जी? बोलता हमारे घर में तो झगड़े होते हैं। नहीं, जीवन पैदा होता है जब पति और पत्नी साथ में होते हैं, जब वो एक शरीर हो जाते हैं, वो और शरीरों को पैदा करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही? ओके। अब ऐदा समझो कि पति दी दो गर्लफ्रेंड आया, एक है शमनो एक है बिन्नो। शादी दे बाद वो शन्नो नू भी पसंद करता है, बिन्नो नू भी पसंद करता है, मगर रहना उसको कमला के साथ ही पड़ता है। अब उस पति को आप क्या कहोगे? वो चिपका हुआ है तीनों जगह पे अलग अलग, वो किसी लायक नहीं है, वो जिंदगी देने वाला पिता नहीं है। पैदा कर सकता है, पैदा करना अलग है, पैदा तो कोई भी कर सकता है, मगर बाप और पिता होने में बड़ा फर्क है, ठीक है। पैदा कर सकता है, पैदा कर देगा वो, मतलब शन्नो के साथ भी है, बिन्नो के साथ भी है, पैदा हो गया, मगर वो पिता नहीं बन पाएगा क्योंकि उसने पुराना छोड़ा नहीं है। जब तक वो पुराना नहीं छोड़ेगा वो नए में चिपक नहीं सकता, दो नावों की सवारी हो नहीं सकती। ये प्रभु भोज परमेश्वर की देह है। जब तक हम अपना पुराना नहीं छोड़ेंगे कलीसिया, तब तक आप इस शादी में आ नहीं सकते। जदों तक हम अपनी पुरानी सोचें, पुराना व्यवहार, पुरानी चीजें नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम मसीह के साथ एक हो नहीं सकते। बेशक चिपक जाएं, मगर पैदा हमसे कुछ नहीं होगा, हम किसी चीज को जन्म नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम पीछे लगे हुए हैं, हम दूसरी चीजों में चिपके हुए हैं। कलीसिया, अगर आज आपने मच्योर होना है तो पुरानी बातें छोड़नी पैनी है। मेरी बात समझ में आई? कितने कहते हैं मैं पुरानी बातें, मैं चाहता हूं आप अपनी अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं। आज एक गेम खेलेंगे, मैं एक एक कंडीशन रखता रहूंगा, कंडीशन का मतलब एक एक सवाल आपसे पूछता रहूंगा। जे उस सवाल का जवाब तुही हाँ में देना चाहते हो, ना में देना चाहते हो, जे तुहाडा जवाब हाँ होए तो एक कदम आगे आ जाना और जिथे जगह मिले उत्थे बह जाना, ठीक है। जे तुहाडा जवाब ना होए पावें उस जगह पे बैठे रहो या एक जगह पीछे चले जाओ, ठीक है। खेल का पहला सवाल है कि क्या आप बेटे से, वारिस से मालिक बनना चाहते हैं? जिन्हें लोग बनना चाहते हैं मालिक, एक एक कदम आगे आ जाइए। वो जगह वद्दू बनाई है, जिन्हें लोग मालिक बनना चाहते, जिन्हें लोग मालिक नहीं बनना चाहते, आप अपने थां में बैठो आराम से, कोई टेंशन नहीं है मेरे वास्ते, मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब सोच रहे मैं शर्मा गई, मैं की करा, मैं की करा, मैं किदा जावा आगे। ऐदे ही तुही रोते रहो, किसी होर ने ताड़ा ले जाना है। जे तुही नहीं लिया, किसी होर ने ले लेना है। जे मेरे सामने बरकत पड़ी हुई ना, एक दिन मैं अपने चर्च में था, सब वर्शिप चल रही थी,
तो वहां पे एक पास्टर जी आए, कहता किसको एनॉइंटिंग चाहिए? मैं ना पानी पिला रहा था किसी को, मैंने फेंका अपना ग्लास उसके ऊपर, कहता मेरे को चाहिए। सामने एक बंदा ड्रम बजा रहा है, वो अफ्रीकन कंट्री से आया, उसने अपना ड्रम सेट फेंक दिया, कहता मुझे चाहिए। बाकी ताड़े वर्ग ही खड़े थे सब, कौन जाएगा? वो आज भी खड़े हैं, कौन जाएगा? मैं निकल आया। जिन्हें मालिक बनना चाहते हैं एक कदम आगे आ जाओ और बैठ जाओ, जहां पे शायद कारपेट है, आपको तकलीफ तो नहीं है कारपेट में, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सवाल और भी दो चार मैं पूछने लग गया। जिन्हें नहीं बनना चाहते अपनी अपनी जगह च बहो, आराम से हौसले नाल बहो, कोई चिंता नहीं है। हटा दो ये सारा कुछ, हटा दो, जस्ट मूव इट ऑफ, उखाड़ दो सब कुछ। बड़ी मेहनत से बनाया मगर उखाड़ सकते हम, कोई चिंता नहीं है। मालकिनों की ज्यादा तादाद है, मैं बड़ा खुश हूं आपसे। हमारे वाले कहते यार हम वैसे भी घर में हमारी चलती नहीं, चाहे पावे मालिक बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ, हम वैसे ही पीड़ित लोग हैं। ठीक है जी, बैठ जाइए। जिन्हें मालिक बनना चाहते ने आगे आगे, प्रभु का धन्यवाद है। आज चर्च कुछ और तरिया से चलना है। चलो जी बैठ। ओ ये तो कुछ ज्यादा यार, मत तूने पूरा किला ले लेना मेरा ऐदा करके। आप सोच रहे मालिक बनना है नहीं बनना है? अगर बनना है तो आगे आ जाइए, नहीं बनना तो बैठ जाइए। ये देखो ये फंसा दिया पास्टर ने, वो कहती मैं नहीं बहना बनना। चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इसको कहते हैं पर्सनल टीचिंग। ओके, तो अभी खेल शुरू हुआ है और आगे आगे चलेगा। तो जब तक हम मालिक बनने की सोच अच्छी है, अब मालिक बनने के लिए करना क्या पड़ता है? सुनिए, जब तक आपकी 9 से 5 की नौकरी है, ठीक है, आप आराम से 8 बजे उठोगे, किसी तरीके से दांत घिसोगे, किसी तरीके से अपना हुलिया ठीक करोगे, 9 बजे आपने दफ्तर पहुंच जाना। दफ्तर पहुंच गए आप 9 बजे तक, वो उनकी तरफ हवा कर दे यार, इनको गर्मी बड़ी लगने वाली है आज सारेनु, मेरा तो छोड़ दे, इट्स फाइन। 9 बजे आप दफ्तर पहुंच गए, 9 बजे दफ्तर पहुंचने के बाद तो ही किसी तरीके से हिल हिल के 3-4 घंटे काम कितने, 2 घंटे चाय पीती, चुगलियां कीती, 1 घंटा फिर खाना वाना खाया, 1 घंटे फिर अपने बॉस की बुराई कीती, मतलब फिर दिन खत्म हो गया, बज गए 5, मैं घर जा रहा, हो गया जी 9 से 5। अब इसी जगह पे आपको मालिक बना दिया जाए, जहां 7 बजे उठते हो या 8 बजे उठते हो, 6 बजे उठ के आज पहुंच जाओगे, अपनी डायरी निकालोगे, आज मैं करना की है, मैं किद्दा करना, मैं की करना, मैं की करना। 5 बजे कोई घर नहीं जाता मालिक, वो 5 बजे तो ना दिन शुरू होता है कि 5 बजे काम हो गया, अब मैं होर काम करना है। मालिक और नौकर का फर्क ये है, जहां आप छोड़ के आ जाते हो वहां से उनका काम शुरू होता है। जिस जगह को आप छोड़कर आए हो उस जगह की ओर पीछे मुड़ के देखो कि मेरा काम अब शुरू हुआ। बोलो उन कुर्सियों को बोलो कि मेरा काम अब शुरू हुआ। आमीन। तो अब कॉन्सेप्ट है लीव एंड क्लीव का। आपने एक जगह छोड़ी है और दूसरी जगह के ऊपर आपने आना है, दूसरी जगह के ऊपर आपने जगह बनानी है। क्लीव करना मतलब यीशु मसीह को चिपकना है। शादियां आप में से बहुत सारे लोगों की हो चुकी हैं और शादियां बड़ी ही पेचीदा चीजें होती हैं। 2 अलग अलग इंसान जिन्होंने एक दूसरे को कभी देखा भी नहीं, शायद देखा हो, 2-3 साल डेटिंग करी हो या इश्क लड़ाया हो, अचानक से इश्क लड़ाते हुए तक अच्छा था क्योंकि वो फुल मेकअप के साथ आती थी, और जब हम एक कमरे में रहने लगे अचानक से ये कौन है, बहन जी नमस्ते, क्योंकि सवेरे आपने कभी देखा नहीं उसका चेहरा किद्दा दा लगदा या व्याद है। अगले दिन तू ही उठे पूछ रहे ये कौन है, ये वही है जेड़े नाल मैकडोनल्ड्स घूमया मैं, क्योंकि सवेरे वो लग दिया कोई होर, कोई और चीज लग दिया, पता नहीं कोई पड़ोसन तो नहीं है, सॉरी आपके कमरे में मैं गलती से आ गया। और ये बंदी भी सोच रही हो यार इन्ना वधिया बंदा या सेंट सुंट ला के मेरे नाल मिलता है, हूं की है आ सड़े हुए टमाटर वांगू बदबू कितों आंदी है। क्योंकि हम दिखाते कुछ है, सच्चाई होती कुछ है, मगर जब प्रभु यीशु में हमने आना है तो वो ज्योति है, ठीक है, और ज्योति के सामने कुछ छुपता नहीं है।
तो जितनी चीजें हैं हमने उसको पीछे छोड़ के आना। एक आयत पढ़ेंगे, मती 16 ईशु कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। मतलब सारे आदमी बैठे हैं, सपोज मैं यीशु मसीह और मैं आपसे पूछता हूँ आदमी के बेटे को क्या कहेंगे, टेढ़ा सवाल नहीं है, आदमी के बेटे को आदमी कहेंगे, आदमी का बच्चा आदमी, बंदर का बच्चा बंदर, कुत्ते का बच्चा कुत्ता। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ आदमी के बेटे को क्या कहेंगे, तो आपका सवाल जवाब क्या होना चाहिए, आदमी। मगर सुनिए वचन क्या कहता है। उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ तो एलिया कहते हैं, और कुछ यहर्मिया भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने कहा परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। अब वो आदमी के बेटे से अपने ऊपर आ गया कि ये आदमी के बेटे की बात नहीं है, मैं अपने बारे में पूछ रहा हूं, तुम मुझे क्या कहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या हूं। रिश्ते में ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूं। मैं आपका पासबान हूं, मैं आपका बेटा नहीं हूं, आपका भाई नहीं हूं, मैं आपका ब्रदर हूं, आई मीन ब्रदर इन क्राइस्ट, मगर मेरा एक ओहदा है, मैं आपका पासबान हूं। आपके पास दोस्त बहुत होंगे, आपके पास रिश्तेदार बहुत होंगे, मगर पासबान मैं ही हूं, ये हमारा रिश्ता है। तो जब हम शादी करवाते हैं ना किसी की, तो मेरा उनसे ये सवाल रहता है कि क्या आप जानते हैं ये रिश्ता आप क्या करने जा रहे हैं। आपकी जिंदगी में जितने भी रिश्ते हैं वो आपने चुने नहीं है, आपकी माता आपने चुनी नहीं है, आपने अपने भाई बहन नहीं चुने, मगर एक चुनाव आप करने वाले हैं, एक प्रभु यीशु को आप चुनते हैं और दूसरा अपना पति या पत्नी। तो इसलिए ये जो चुनाव है ये हर महीने बदल नहीं सकता, अगर चुन लिया सो चुन लिया, डन। ओके जी, तो यहां पर यीशु मसीह पूछता है कि तुम मेरे साथ रिश्ते में हो, तुम मेरे चेले हो, मगर क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे लिए क्या हूं, मैं कौन हूं तुम्हारे लिए। यहां पर जवाब देखिए, शिमोन पत्रस यूं कहते हैं, शिमोन पत्रस ने उत्तर दिया कि तू जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि पतरस, जो पीटर है पत्थर, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। जो कलीसिया की शुरुआत है, आप शिमोन पतरस के बारे में थोड़ा ध्यान रखना कि पतरस को यीशु मसीह कहता है कि पतरस तू मेरी कलीसिया की नींव है, मैं तेरे ऊपर अपनी कलीसिया को खड़ा करूंगा। अच्छी बात है, क्योंकि पतरस सारे से वध के ही, पतरस उदा तो यहूदिया में ही और यहूदी ही, मगर मैनू कहीं ना कहीं लगता बंदा धारीवाल दा ही, पक्का धारीवाल लगता है। जे अपना कभी अपना डीएनए कराएंगे तो पतरस के साथ हमारा डीएनए गारंटेड मिलना है, वो धारीवाल दा पानी पिया हुआ बंदा है। अभी मैं आगे बताऊंगा क्यों। तानू धारीवाल से प्यार नहीं है, हैं? मैं कल ही अपने अपने मन में सोच रहा था कि मैं ना कुछ करना चाहता हूं धारीवाल के लिए, तो मेरे को लगा लाइटें लूटे लगा देनी चाहिए शहीद भगत सिंह चौक पे या कुछ ऐसा, क्योंकि मेरे को इस शहर से बड़ा प्यार है, आपको प्यार नहीं है? छोटा सा शहर है, यहाँ दही वाले को हम जानते हैं, सफाई वाले को हम जानते हैं, कारपेंटर को, मेरे लिए ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मैं चार आदमियों को यहां जानता हूं। दिल्ली में मेरा पड़ोसी कौन है मुझे आज तक नहीं पता है, आज तक नहीं पता है। वो मुझको देखता है गुड मॉर्निंग बोलता है, मैं उसको गुड मॉर्निंग बोलता हूं। फिर एक दिन मैंने अपनी माँ से पूछा ये है कौन, करता कौन है, मेरी माँ बोलती मुझे भी नहीं पता। फिर हमने पता किया कि करता क्या है, क्योंकि अजीब अजीब टाइम पे आता था, फिर हमें बाद में पता चला डॉक्टर है, ऑपरेशन करता है, इसलिए अजीब अजीब टाइम पे आता है, मुझे लगा स्मगलर तो नहीं है। तो धारीवाल बहुत ही एक सुंदर शहर है और हमको धारीवाल से प्यार करना है,
मेरी बड़ी सारी यादें जुड़ी हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा खाना मिलता है, अच्छे नान मिलते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं। तो पतरस जो है मुझे लगता है धारीवाल से था, ठीक है जी। मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियाँ दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधा जाएगा। ये किसको कह रहे प्रभु यीशु मसीह? शिमोन पतरस को, शिमोन पतरस को। आपको पतरस की बात मालूम है, उसकी खासियत क्या थी? वो पानियों पर चला है यीशु मसीह के साथ, आमीन। और उस क्योंकि वो धारीवाल का था, इसलिए मुर्गे की बांग से पहले उसने 3 बार यीशु मसीह को इनकार भी कर दिया। चला पानी में, चंगाइयां भी हुई, उदा सांस भी चंगी होगी, यसु ने उदी सांस चंगी कर दी, स्यापा पा दिया। जब कोई बंदा मेरे को अपनी सांस की प्रॉब्लम लेके आता ना, मैं बड़ा एक्साइटेड हो जाता हूं। तू चाहता है कि चंगी हो कि हम ठोकी दें इसको? अपनी सांस की बातें हमारे से करते, बोले मेरी सांस के लिए दुआ करो। मैं क्या यार, ये तो पक्का पतरस जहां वांगू बंदा है, दुआ करनी चाहिए। सांस चंगी हो गई, पानियों पर चला, मगर क्या प्रभु यीशु मसीह को मालूम नहीं था ये इनकार करने वाला है? और उस इनकार करने वाले बंदे को यीशु मसीह कहता है कि जो कुछ तू धरती पर बांधा जाएगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो कुछ तू खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। क्या ताकत है, क्या ताकत परमेश्वर इस बंदे के हाथ में दे रहा है जो परमेश्वर को मना करने वाला है। ठीक है, अब सुनिएगा मेरी बात। तब उसने चेले को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूं। सबसे पहली अब ये चीज देख लीजिएगा, आजकल हम पोस्टर्स पे क्या देखते हैं? अगर गॉस्पल मीटिंग की पोस्टर्स है उस पर क्या देखते हैं? अपोस्टल जी की, प्रॉफिट जी की, पास्टर जी की फोटो, छोटा सा क्रॉस कहीं पे ताकि लोग उसको फाड़ के ना फेंक दें। अगर फाड़ देंगे फिर दंगा हो जाएगा, फिर उसके नीचे मीटिंग की तिथि और एक छोटी सी आयत। अगर इश्तिहार इतना बड़ा है तो इश्तिहार का जो 10% है वो गॉस्पल है, बाकी 75% मशहूरी है। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा सा इन पॉइंटों को इसलिए लिख लिया करो कि आखिर में मैं जोड़ देता हूँ इन बातों को। तो 75% मशहूरी है और 10% कहीं गॉस्पल से रिलेटेड की बातें हैं, ठीक है जी। तो 75% मैं अपनी मशहूरी कर रहा हूँ, 10% मैं किसी और की मशहूरी कर रहा हूँ। यीशु मसीह चेले को क्या कहता है? किसी को बताना नहीं कि मैं ही मसीह हूँ। यीशु मसीह ने जब 10 कोढ़ियों को चंगा किया तो क्या बोला? किसी को बताना नहीं, मैंने किया। अजदा की रू लिया, पापा जी तू ही प्रेयर कीती मैं चंगा हो गया। मेरे को बड़ी खुंदक आती है, पास्टर जी आपने प्रेयर, मैं मेरा काम है प्रेयर करना और आप चंगे होते, परमेश्वर का धन्यवाद है, परमेश्वर ने इस लायक बनाया। मगर अगली गवाही, क्योंकि आप आगे आ गए हैं, अब मैं ये सुनना चाहता हूं कि तुमने प्रार्थना की, हेलो, तुमने प्रार्थना की, उस प्रार्थना से क्या हुआ? क्योंकि आप आगे आ गए ना, आपको बड़ा होना है ना, मेरी प्रार्थना के बल पर एक दम तक चल सके हो, उसके बाद अब तुम करते हो तब क्या होता है? अब आके ये गवाहियां देना कि पास्टर जी मैंने प्रार्थना की, दुष्ट आत्माएं निकल गई, मैंने प्रार्थना की, बीमार चंगे हो गए, ये गवाहियां हैं। हालेलुया, क्योंकि हमने बड़ा होना है। जे तू ही उसी लेवल पर रहना चाहते हो तो करते रहिए। और लोगों को यही समझ में आता है, शायद बहुत सारे लोगों को अभी ये समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। यीशु मसीह अपने चेलों को कहता किसी को बताना नहीं, मैं यीशु मसीह हूं, सीक्रेट है, हमारे बीच की बात है। ये कितना स्वर्ग, आप जब पैदा होते हो तो तारा थम जाता है, तीन जो मजूसी आते हैं, सोना मरलोबन लाते हैं, सारी दुनिया को पता है तुम पैदा हुए हो और हमें तुम सच बोलने से मना कर रहे हो? कहता अभी टाइम नहीं आया। आगे सुनिएगा, उस समय यीशु ने अपने चेले को बताने लगा अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं, क्योंकि अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, पुरनियों प्रधानों और याजक और शास्त्रियों के हाथों से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। अब हाडा पतरस, मैच्योरिटी किसको कहते हैं? वो बंदे नू चुक के यीशु मसीह यूं कहता है, ए पतरस आज तू पीटर बन, ठीक है, इसको यहां छोड़ दे। प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है,
ये है पीटर धारीवाल, जैदे तड़ा, बैठ जा बैठ जा, नीचे बैठ, नीचे वाली उस पर बैठ, अरे नीचे वाली जगह पर बैठ। हाँ, साढ़े पिंड का नाम हादे नाम के पिछे लगाया वा, तो की कहें डेविड फतेह नंगल और फलां गुरदासपुरिया, तो ये है पीटर धारीवाल। फ़र्ज़ कीजिए मैं यीशु मसीह एग्जांपल करता हूँ, तो पीटर और यीशु मसीह के बीच में बात हो रही है। मैं ये पीटर को कहता हूँ, पीटर तूने पहचान लिया ना कि मैं यीशु मसीह हूँ, अब मैं तेरे ऊपर चर्च बनाऊंगा और नरक के फाटक तेरे, ये जो तू जो चर्च बनाएगा ना उसके खिलाफ प्रबल नहीं होंगे। जो चीज़ तू ज़मीन पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, खोला जाएगा। अब तू आ जा बेटा, तू थोड़ा सा मेरे नेड़ आया, मेरा पुत बन गया तू, मेरा दोस्त बन गया तू। अब आइए, हर बात हर किसी को कही नहीं जाती, तो यीशु मसीह कहता है कि किसी को कहना नहीं कि मैं यीशु हूँ, क्योंकि अभी मैंने यरूशलेम जाना है और वहाँ पर दुख उठाना है, मैंने मारा जाना है। अब पीटर सोच रहा, मैं तो यस्सु का दोस्त बन गया, मैच्योर हो गया, मैं यस्सु नु की कहता है यस्सु, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इस पर पतरस उसको अलग ले जाकर झिड़कने लगा, मतलब पक्का धारी वाला बंदा या यस्सु मसीह नु झिड़कदा या। प्रॉब्लम किया मैच्योरिटी, मतलब थोड़ी सी उंगली क्या पकड़ाई, उंगली पकड़ मेरी, वो तो कंधे पे बैठने को तैयार है। हाँ जी, हाँ, ये समझ लगी। अगर परमेश्वर उंगली दे रहा है तो उसके कंधे पे मत बैठो। थैंक यू साबी। उंगली देने का मतलब किया कि परमेश्वर आपके लिए चीजें कर रहा है, सहूलियतें बना रहा है, मगर क्या हम उन सहूलियतों का गलत इस्तेमाल करें? जो चीजें परमेश्वर ने हमारे लिए करी हैं उसके लिए गलत इस्तेमाल करें? हमारा रिश्ता क्या है? क्योंकि हम अपने रिश्ते को पहचानते ही नहीं परमेश्वर के साथ, हमें लगता है हम भीख मांगे हैं, हमें भीख मांगने की आदत है क्योंकि हम भीख मांगे हैं। आज से पहले जहां कहीं पे भी गए हम भीख मांगते रहे, और भीख मांगे का कोई दीन ईमान नहीं होता। आपको भिखारी, वही भिखारी आपको गुरुद्वारे के बाहर भी दिख जाएगा, वही भिखारी आपको मंदिर के बाहर भी दिख जाएगा, वही भिखारी आपको मस्जिद के बाहर भी दिख जाएगा, वही भिखारी अगर संडे को पता चले यहाँ पे भीड़ है वो यहाँ पर भी आ जाएगा। उसका कोई धर्म नहीं है, कोई दीन नहीं है, उसका सिर्फ एक धर्म है कि मेरी भूख कैसे मिटती है। और हम में से कुछ लोग ऐसे ही हैं, मांगने की आदत है। सुनो, लोग की आराधना दे वक्त क्यों नहीं आंदे? क्योंकि वो अभी भी बच्चे हैं। सुनो, बच्चियां का की होता है, बच्चे आपके घर में छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं उनको ऐसे ही बस चीखना आता है, बच्चे को चुप कराने के लिए क्या करेंगे, उसके मुंह में बोतल ठोक देंगे। बच्चे को लग रहा है मेरे रोने की वजह से मेरे को बोतल मिल रही है, तो और ज्यादा रोता है, फिर हम और बोतल ठोक देते हैं, फिर और ज्यादा रोता है, फिर हम और बोतल ठोक देते हैं, 4 बोतल 5 बोतल 10 बोतल, जो जो किसी तरीके से चुप हो। उसको लगता है मेरी रोने की वजह से कितना अटेंशन मिल रहा है मुझे, वो जहां भी जाता है रोना चालू। फिर एक दिन पेओ को बड़ा गुस्सा आता है, फिर वो बच्चे की सेवा कर देता है और फिर वो सही से रोता है। प्रार्थना में लोग आखिर में आते हैं, जैसे ही वचन शुरू होने जाएगा तो ये बच्चों वाली मेंटालिटी है कि खिलाओ मुझे, खिलाओ मुझे, खिलाओ मुझे, तुम्हें खिलाना ना पड़े मगर तुम मुझे खिलाओ, ये बच्चों की मेंटालिटी है। क्योंकि उनको कुछ आता ही नहीं, उनको सिर्फ आता है टॉफी, टॉफी ठूस दिया, दूध, दूध ठूस दिया, बच्चे की मेंटालिटी है। तो हम में से भी आधे बच्चे हैं क्योंकि हमको लगता है कि हमें चर्च सिर्फ उसी टाइम पहुंचना चाहिए, कलाम हुआ, प्रेयर हुई, खाना खाया, गायब। परमेश्वर आपको, जब यीशु मसीह और सामरी स्त्री मिलते हैं, यीशु मसीह सामरी स्त्री को बोलता है मैं प्यासा हूं मुझे पानी दे। सामरी स्त्री बोलती है तेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, तू मांग क्यों रहा है मुझसे पानी? अगर तू पानी पीने चाहता था कोई लोटा लेके आना था, कुछ लेकर आना था, तू यहां पर कुएं पे बैठ के मुझसे पानी मांग रहा है। एक्चुअली यीशु मसीह उससे आराधना मांग रहा था। आपस में अगर आप बहुत ध्यान से यूहन्ना 4:23 को पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह यूं कहता है कि परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है।
सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है, आराधना चाह रहा है वो आपसे। आप क्या सोच रहे हो, मैं किसी तरीके से चर्च जाऊं, मेरे ऊपर हाथ रख दें, मैं प्रेयर करूं और निकल आऊं। मगर परमेश्वर जो प्रेज करवाना चाह रहा है, आपके मुंह से कहना चाह रहा है, परमेश्वर वचन है, ठीक है। उसने जो कुछ भी सृष्टि की वचन से कहा, उसने कहा रोशनी हो और रोशनी हो गई। वो कहने वाला परमेश्वर है, आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था। जो कुछ भी बना है उस वचन के जरिए से बना है, उस वचन के बिना कुछ नहीं बना है। वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में चलने लगा, वो सारी बातें वचन है, वो कहने वाला वचन है, वो कहता है। आपके मुंह से भी वो कुछ सुनना चाहता है कि मैं हालेलुया, तू ही प्रभु है परमेश्वर, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। प्रेस का मतलब मालूम है क्या है, वर्शिप का मतलब मालूम है क्या है, गवाहियां हम सब सुनते हैं, खुदावन आपने मुझे चंगा कर दिया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर आपने मेरी ये मुसीबत ठीक कर दी। मगर आराधना का मतलब क्या है, चाहे मैं ठीक हो या ना हो, मैं तुझे शुक्रिया अदा करता हूं, ये है मतलब। और परमेश्वर इसको मैच्योरिटी कहता है। मगर हाडा आधा चर्च दिहाड़ियां लगाने जाते तो कितने बजे निकलते हैं जी, हाँ जी जोर से सुनाई, हाँ कितने बजे दिहाड़ी लगाने जाते तो कितने बजे निकलते हैं, हाँ अरे जितने दिहाड़ी लगा, 8 बजे पक्का, 8 बजे चर्च आना हो तो कितने बजे निकलते हैं, 10 बजे का चर्च है पक्का 11:30 बजे पहुंच जाएंगे, उत्ते की मिलना। मगर हमें चाहिए, हम वारिस बनना चाहते हैं, पुत हड हमसे पुत सही से बनाया नहीं गया, वारिस हम बनना चाहते हैं। चर्च को कुछ लोगों ने, प्रॉब्लम क्या है, एक और गेम खेलेंगे, गेम खेलना चाहते हैं, हाँ जी आज खेल खेल में है, क्योंकि आपको लगता है चर्च एक खेल है, मुझे नहीं लगता चर्च एक खेल है, अगर होता तो मैं अपनी जिंदगी दांव पे नहीं लगाता। सुनिएगा, हाथ है आपके पास, दिखाइए जरा अपना सीधा हाथ, दिखाइए सीधा हाथ, उल्टा नहीं, खब्बा नहीं, सीधा, किन्नों के पास सीधे हाथ हैं, सीधा दिखाइए, हिलाइए जरा उसको, सही से हिलाइए, हिल नहीं रहे आपके हाथ सही से, दर्द हो रही है, खब्बा नहीं चाहिए, मैंने सीधा हाथ चाहिए दाया, सीधा दिखायो, सीधा दिखायो, हिलाओ उसको ऐसे ऐसे करके, बढ़िया से हिलाओ, सही से हिल रहा है, गोला बनाओ, गोला बनाओ, गोला गोला ऐसा गोला बनाओ, गोला अपने गाल पे रखो, गाल पे रख लिया, तुझे पता है ये गेल, बाकी सारे ये गाल है आपका, कौन सी भाषा में ये गाल है आपका, हैं? ये कौन सी भाषा में आपका गाल है, सारे ने अपना हाथ इत्थे रख लिया, पूछो क्यों, क्योंकि हाडा दादा भी 12:30 बजे चर्च होता ही, दादा जी सारे सवेरे सवेरे रेड़ी पे हानू लद के चलते ही, और ठीक आपा वचन शुरू होने से के 10 मिनट बाद पहुंच जाते होंगे सी, उद्दे बाद आपा वचन करते होंगे सी, फिर खाना खाते होंगे सी, फिर आपा धारीवाल नहर घूम के नेड़े वो जड़ा टिक्की वाला ही ना मनोज उत्थे टिक्की खा के घर आ जाते, वधिया माहौल आह, वही हमने सीखा है, वही हम कर रहे हैं। मगर हमें वारिस बनना है, जब तक बचकानी हरकतें करते रहोगे वारिस नहीं बनने वाला है, क्योंकि हम जो वही देख रहे हैं वही सीख रहे हैं, पहले एक करता है फिर दूसरा करता है फिर तीसरा करता है फिर चौथा करता है। यीशु मसीह कह रहा है मैं तेरे ऊपर अपनी चर्च बनाऊंगा, वो यीशु मसीह को झिड़क रहा है। हम में से कई सारों को प्रभु ने प्रॉमिस दिया है कि मैं तेरी लाइफ में ये करूंगा, मैं तेरी लाइफ में यूं करूंगा, थोड़ा सा गन्ने की तरह आपको निचोड़ा है, तू की करदा रब तेनू पता ही नहीं है, पता नहीं की करदा या मेरे नाल, यस्सू मेरे नाल नाल रहिंदा या। सुनिएगा, उसके बाद 23वीं आयत पे उसने पतरस से मुड़कर कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बात पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। इसीलिए ये जरूरी है, सोने का दाम गिर गया की करिए, प्लाटा का दाम गिर गया, सीमेंट का दाम बढ़ गया, तानू की। मैं पिछले 3 साल आते मैं अपने घर का केबल का कनेक्शन कटाता, पूछो क्यों, एक तो 600 रुपए कौन दे,
और 600 रुपए देख के इनकी झूठ क्यों सुनूं मैं? ये तो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलते जा रहे हैं, और मैं झूठ सुनूं क्यों? वो भी अपनी जेब से पैसे देके, मैं पागल हूं? मैं ये सुनूं? ये सच है? मैं सारा जो पैसा बचा मैंने उसको बाइबल में इन्वेस्ट कर दिया, अलग अलग बाइबलें खरीदी, महंगी महंगी बाइबलें खरीदी, किताबें खरीदी, कुछ फिक्स्चर्स लगा लिए, कुछ म्यूजिक का सिस्टम बना लिया ताकि हम बाइबल में रहें, क्योंकि हम मनुष्य की बातें सुनेंगे हम परमेश्वर को झिड़कने लगेंगे। लोगों को लगता है कि चर्च से हमें मिलना चाहिए, दे, 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 दे। मगर वचन कहता है आशीषित है वो आदमी जो देता है, ब्लेसड इज द मैन हु गिव्स। सुनिएगा, लोका दी मेंटेलिटी ऐदा दी है, मैं किद्दा निकाला, मैं आज तानू बोलता तू किद्दा बीज बोए। ये मैच्योरिटी दा सीजन है। एक बंदा ही हाडे इत्थे परमेश्वर ने उसको कहा कि आप 5 लाख रुपया चर्च दे दो, वो मेरे को कहने लग गए। मैंने कहा मेरे को आपका इमोशनली नहीं चाहिए कोई भी पैसा, मुझे आपसे चाहिए नहीं, आप प्रेयर करो, अगर आपको लगता है देना है तो प्रेयर करके दे जाओ। अगले संडे से बंदा गायब, दिखिया नहीं मैनू, मैंने तो मांगे नहीं, पवित्र आत्मा खुद उसके मन में डाल रहा है, कहता मैंने आपको 5 लाख दे दिया। मैंने कहा प्रेयर करो। अगले संडे से भाई गायब। इद्दा दी सोचा है हमारी, हमें निकालना, हमें चाहिए, हम मैच्योर बनना चाहते हैं, मगर पहले हमें खिलाओ। नहीं, पहले आप करो। आपके सभी के पास बैंक अकाउंट है? सबके पास बैंक अकाउंट है तो बिना पैसे डाले उसमें से निकाल लोगे? हाँ, बैंक नहीं करता तो परमेश्वर का राज्य कैसा करेगा? बीज बोगे उसी में से खाओगे ना, खेत को देखने से उसमें फल नहीं आ जाता। सुनना आगे से, सुनिए। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यहां पे मजेदार है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। जो कोई मेरे लिए अपने प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, जो मेरे लिए अपने प्राण खोएगा वो पाएगा। जो कोई मेरे लिए अपने पैसे बचाना चाहे, चर्च में देना ना पड़ जाए। अरे उत्थे बड़ी मुश्किल आई है, वो उसे खोएगा, जो को देगा वो पाएगा। मुझे आपका ऑफरिंग प्रभु के लिए धन्यवाद है जो आप कर पा रहे हैं, मगर ये मेंटालिटी की बात है, ये मेंटालिटी की बात है। सुनिए, फिर से खड़े हो जाइए, अब फिर एक और गेम खेलेंगे। आपको मालूम है मेरे को क्रिकेट बहुत पसंद है, ठीक है जी। सुनिएगा, खड़े हो जाइए, थोड़ी आज आपकी मेहनत हो रही है, गोडे मोडे सब सही हो रहे हैं, ठीक है, आज बढ़िया जगह आज पहुंच गए आप। 1996 कितने लोगों ने देखा है? 1996 देखा है, कुछ पैदा भी नहीं हुए थे तब। 1996 कितने लोगों ने देखा है? तो वो तुम्हारे बाबा आदम के ज़माने की बात है। दीपक सोच रहा था ये कब होता, मैं तो 2000 से देखी है, ऐसा भी समय था 1996। तब नया नया मोबाइल फ़ोन आया था और मोबाइल फ़ोन इतना बड़ा हुआ करता था कि किसी के सर पे मार दो तो बंदा मर जाए, ठीक है जी। 1996 की बात बताता हूँ, मैं बंगाली हूँ, ठीक है, मेरे माँ बाप दोनों बंगाली थे इसलिए मैं बंगाली हूँ। कलकत्ते आप कभी जाओगे ना, कलकत्ते में जोश से भरे हुए लोग हैं। एक दिन मैं कलकत्ते चला गया, वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे फुटबॉल टूर्नामेंट होते हैं, क्लब का मैच हो रहा है, आपस में एक दूसरे का सर फोड़ने को तैयार है। मैंने एक भाई को बुला के पूछा, खेलने वालों में तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? कहता नहीं, मगर हम इस क्लब के फैन हैं, हमने इनके लिए जीना है, इनके लिए मरना है। तो 1996 में क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा था ईडन गार्डन कलकत्ता में। मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा कीड़ा था, अभी भी हूं, मगर मैंने देखना छोड़ रखा है। तो 96 के वर्ल्ड कप में ऐसा हुआ कि कलकत्ता में ये लोग हारने लगे, इनकी 5 विकेट गिर गई थी पहले ही 10-15 ओवर में, और कलकत्ता वालों ने इनका मैच होने नहीं दिया। मैच खत्म, इंडिया की टीम खत्म, ठीक है जी। और उसके बाद
जितने लोग सचिन 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 चिल्लाते थे, सब पत्थर लेके सचिन के घर के नीचे खड़े, तू मिल मुझे मैं तुझे बताऊंगा। सुनिए, यीशु मसीह का सवाल है कि तू मेरे पीछे चलना चाहता है या नहीं। फैन होता है, एक फैन होता है, ऋतिक रोशन का फैन है, अमिताभ बच्चन का फैन है, फैन समझते हैं आप, पंखा फैन है वो। फैन का मतलब जब उसकी तस्वीर अच्छी कर रही है, हाँ उसकी फोटो लगा दी हमने, हैं उसकी फोटो लगा दी, उसके फोटो पे माला वाला चढ़ा दी, अगर उसको बुखार हुआ तो उसके फोटो पे ठंडी पत्ती कर दी हमने, बुखार उतर जाना उसका, ठीक है जी, फैन। यीशु मसीह कहता है मैं फैन नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ फॉलोअर। फॉलोअर, फॉलोअर मतलब मेरे पीछे चलना, चल मैनू फॉलो करो, फॉलो कर मुझे, जैसे जैसा मैं करूँगा वैसा वैसा करना पड़ेगा, फॉलो कर, ठीक है जी। ये है फॉलोइंग, जैसा जैसा मैं कर रहा हूँ, माइक नहीं पकड़ा तूने, फॉलो कैसे कर रहा है तू, सही से फॉलो करो, साइलेंट पे रखना नहीं तो बच जाएगा, ये है फॉलोअर। अब मेरे को मार पड़ने लगी, फॉलोअर कहता नहीं नहीं दूसरा पकड़ लेते हैं, दूजा कर लेते हैं, ये बंदा चंगा नहीं है, इसको तो मार पड़ रही है। आप फैन बनना चाहते हैं या फॉलोअर बनना चाहते हैं, आ जाइए, फॉलो मी। सवाल ये है कि आप यीशु मसीह के फैन बनना चाहते हैं। फैन का मतलब जदों तक तू ही हानू रिजाते रहे आपा ताडे नाल है, जदों तू ही हानू रिजाना बंद किता आपा ताडे नाल नहीं है, आपा किसी होर दे नाल है। मैच्योरिटी चाहिए, वारिस बनना है, वारिस से मामला हाथ में चाहिए। तू ही फैन बनना चाहते ने या फॉलोअर यीशु मसीह दे, पंजाबी च की कहेंगे कि तुसी फैन बनना चाहते हो या फॉलोअर। फैन का मतलब या की कहते हैं, फैन का मतलब, फैन फैन को की कहेंगे, अरे किसकी पंजाबी अच्छी है शेतन, फैन नू की कहेंगे, जिदा तू फैन ही की सीधा, वो की कहेंगे फैन नू, फैन समझते हैं, पसंद करने वाले या पीछे तुरन वाले आ। तु ही यीशु मसीह नू खाली पसंद कर दे हो या उना दे पीछे पीछे तुर दे हो, दसो जी, पीछे पीछे एक कदम आगे आ जाओ। ताड़े लिए खुशखबरी है, सुनो, यीशु मसीह नू सताया गया, मारा गया, पीटा गया, ओ मर गया, फॉलो कर मुझे भाई, मर गया, मर सही से, मर ढंग से, मर ढंग से, मर गया वो मरिया हुआ। 3 दिन के बाद वो जी उठा और स्वर्ग के ऊंचे स्थानों में जा बैठा। जेड़ा फैन होंदा ना वो मार पड़ रही है पग 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 पग, ये फर्क है हाडा, आपा फैन बन गए, फैन ऑफ पापा जी, फैन ऑफ चाचा जी, फैन ऑफ फूफा जी, फैन ऑफ सो जी। कदों तू ही फॉलोअर बनोगे यीशु मसीह दे, जे आपा फैन है तो तू ही मरे रहना है, क्योंकि फैन की जिंदा होने की कोई गारंटी नहीं है। जदों तू ही फॉलोअर बन गए, फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, आप जिंदा होकर रहेंगे, आप जिंदा होकर रहेंगे, आप जिंदा होकर रहेंगे, जिंदगी आपकी है क्योंकि आप फॉलोअर हैं। जिधर जिधर यीशु तुरदा या, तू फॉलो कर नहीं रहा मैनू, जिधर जिधर यीशु तुरदा या उत्थे उत्थे तू ही भी तुरोगे। जेड़े जेड़े पावर यीशु दे कोल हैं, क्योंकि तू ही उन्हां दे पीछे चलते पे हो, जेड़ा काम वो करदा या, तू माइक नहीं फड़िया सही से, फॉलो नहीं कर रहा मेरे को, जेड़ा काम वो करदा या वो काम तू ही भी करोगे, क्योंकि वो कहता है जो मेरे पीछे आ रहे हैं वो मेरे से बड़े बड़े काम करने वाले हैं। यीशु मसीह ने मुर्दियां नू जिंदा किया, तू ही कबरां खोल के लोगों नू बाहर पुट लेना यीशु मसीह दे नाम च,
क्योंकि बड़े काम करने वाले, क्योंकि फॉलोअर उन्होंने पीछे पीछे चलते पे है। जे पीछे वाले उन्होंने गल समझ नहीं आ रही, वो अपनी जगह पर खुश ने। जे तुही फॉलोअर बनना चाहते ने, उन्होंने पीछे तुरना पैना है। जो काम वो कर रहा है वो करना पैना है। बने रहो अपनी कुर्सियां च, बैठे रहो अपनी कुर्सियां च, कुर्सियां नु घिस दो, उन्हां दा कलर भूरे से नीला कर दो, कोई नहीं फर्क पैंदा। मगर परमेश्वर चाहता ही नहीं उन्हां दे कोल फैन होवे। वो खुश सी, 4,000 नु खिलाया, मगर 12 वांगू वो खुश सी। ये 12 बंदियां ने सारी दुनिया उलट पुलट करती। एक तो उन्हां नु बेच गया, मगर बाकी जो 11 थे वो कमाल दे ही। हालेलुया। फैन या फॉलोअर? हाँ जी, हाँ जी। जे तू ही फॉलोअर बनना चाहते हो, जिन्हों मेरी गल समझ में आई, एक बार हालेलुया बोलिए। अब बैठ जा। तो यही एटीट्यूड आप रखिएगा। अगर अभी भी आप ये नहीं समझ पाए कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, वो चाहता है कि मेरे पीछे तुरने वाला हो, मेरे पीछे कोई चलने वाला हो, मैंने जो किया वो कोई करने वाला हो। परमेश्वर ये चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप एक वेंटिलेटर पे पड़े रहो। आत्मिक वेंटिलेटर भी होता है। पास्टर जी मैनू कोई हो रहा है, हाँ मैं पास्टर, हाँ ठीक हुआ तू, ठीक हो जा, ठीक हो जा, हो गया हो गया। उससे बाहर आओ, उससे बाहर आओ, क्योंकि तुम केवल एक बच्चे की तरह नहीं हो, बड़े होना है। जब आप बड़े होगे तभी आपका हक आपके हाथ में दिया जाएगा। किसी बेवकूफ के हाथ में परमेश्वर का राज्य नहीं आता। बोलो मैं बड़ा होना चाहता हूँ, मैं बड़ा होना चाहता हूँ। नॉट अ फैन बट अ फॉलोअर ऑफ जीसस। हालेलुया। यीशु मसीह का कलाम यूँ कहता है, जो मेरे पीछे आते हैं वो मुझसे बड़ा करने वाले हैं। जितने लोग आज विश्वास का कदम, मैं आपको वहाँ से खींच के इसलिए लाया क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप उसकी कुव्वत को देखें, उसकी सामर्थ को देखें, उसकी ताकत को देखें, परमेश्वर की हुजूरी को देखें, उसकी पावर को। आप आज आप देखने चाहते हैं कि उसकी पावर कैसे मैनिफेस्ट करती है। मैं देखना चाह रहा था कि कितने लोग इस पावर के भूखे हैं। मेरे ख्याल से 10% लोग। ये चीज़ आज आप देखोगे कि उसका फैन नहीं, फॉलोअर होना क्या है। हालेलुया। परमेश्वर से पवित्र अभिषेक को मांगिए कि खुदावन आज मेरी ज़िंदगी में वो अभिषेक को ढेल। हालेलुया। अभिषेक उन्हें